हद से कुछ बड़ा करना, कुछ ऐसा करना कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर कर दे, ऐसा करना। जो व्यक्ति अपने अवकाश से उठकर अपनी सारी परिस्थितियां भूलकर अपने हद से कुछ बड़ा करता है ना, वो व्यक्ति पूरी दुनिया में महान कहलाता है। लोग कहने लगते कि कितना बड़ा इंसान है, इसे देखने के लिए कितनी भीड़ इकट्ठी हुई है, कितने चाहने वाले इस इंसान के, ऐसे लोग कहने लगेंगे। भविष्य में आगे चलकर इस वीडियो को देखने वाला आप में से कोई एक हो सकता है। फिर वो इंसान मूवीज में जाने के लिए ट्राई कर रहा होगा, स्पोर्ट में जाने के लिए ट्राई कर रहा होगा, बिजनेसमैन बनने के लिए ट्राई कर रहा होगा, अमीर बनने के लिए सोच रहा होगा, या अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए सोच रहा होगा और संघर्ष करता रहा होगा। क्योंकि वो इंसान अपने हद से कुछ बड़ा कर रहा है, उसे उसकी मुश्किलें मजा दे रही है और परिस्थितियां आगे ढकल दे रही है। तुझे खाली नहीं बैठना है, तुझे हद से कुछ बड़ा करना है और अपनी मंजिल प्राप्त करना है। उस इंसान के सामने कितनी भी समस्या आ जाए, लोग उसे कितना भी पीछे ढकलने की कोशिश कर ले, वो इंसान उन्हें आसानी से हंसते हंसते पीछे कर लेगा। क्योंकि उस इंसान ने अपनी समस्या को, अपनी चुनौतियों को हैंडल करना सीख लिया, पूरा ढल चुका है उसमें वो। लोग तो बड़ी दूर की बात है, जो कुछ बड़ा करने वाला इंसान कौन होता है? उस इंसान की सोच बड़ी होती है, उसका डिजायर बड़ा होता है, उसका लक्ष्य बड़ा होता है। भले आज उसके पास कुछ भी क्यों ना हो, फूटी कूड़ी क्यों ना हो, पर उसके सोच में बहुत दम होता है। आगे चलकर वो इंसान सक्सेसफुल बन जाता है। कई लोग सोचते हैं कि यार मैं बन गया तो क्या होगा, और अपने हद से कुछ बड़ा करने वाला इंसान होता है ना, वो बनकर भी दिखाता है, अच्छा और चके मुंह भी बंद कर देता है। भले ही आज कोई उस इंसान की अपमान कर ले, बेइज्जती कर ले, गालियां दे दे, वो सभी बातें सह लेगा और वहां से निकल जाएगा। उसे सभी कही हुई बातों का वो बदला अपना कामयाबी से लेगा। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? शांत रहना, अपने पूरे काम के ऊपर फोकस रहना। बेवकूफ इंसान तो वो होता जो हर समय बहस करता रहता है, वो हर बात पर बहस करता रहता है, तूने मुझे क्या कह दिया, मैं तुझे अभी दिखाता हूं, और दूसरी ओर समझदार इंसान और शांत इंसान वहां से निकल लेता है। वो शांत इंसान अपने बहस से नहीं, अपने कामों से जीतता है। और ये बात हमेशा याद रखना, अपने हद से कुछ बड़ा करने की सोचना, क्योंकि बड़ी सोच का जादू बड़े परिणाम होता है। दुनिया के हर सफल इंसान के पास बड़ी सोच थी, बड़ा करने का दम था, भले ही उनके पास स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं था। गौतम आडानी, उन्होंने अपनी शुरुआत एक डायमंड ब्रोकर से शुरू की थी। आज गौतम आडानी ने अमीरों में टॉप 5 में अपनी जगह बना ली, और गौतम आडानी बहुत से बड़े एम्पायर के मालिक। दूसरी ओर बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान, वो अपने साथ कुछ पैसे लेकर मुंबई आए थे। कुछ दिनों बाद वो पैसे भी खत्म हो चुके, तब से उन्होंने ठान लिया था कि मैं एक दिन इस मुंबई पे राज करूंगा, और उन्होंने किया भी। आज शाहरुख खान कई करोड़ लोगों के दिलों पर राज करते। बस अपनी शुरुआत कर लो, भले ही आपको आज कोई नहीं जानता, जब आपका मेहनत का फल मिलेगा ना, आप सफल बनोगे ना, तब हर कोई आप जैसा बनने की सोच रहा होगा। हर वक्त अपने मन में ये विचार आना चाहिए कि मुझे मेरे हद से कुछ बड़ा करना है, मुझे उन ऊंचाइयों पर जाना है। लोग बस सपना ही देखते, उस सपने को मुझे हकीकत में लाना है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।